नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों के रिजल्ट से रिलेटेड काफ़ी बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। यहां पर दो बड़ी यूनिवर्सिटीज ने अभी अभी थोड़ी देर पहले दो रिजल्ट जारी किए हैं। जो रिजल्ट जारी किए हैं उन रिजल्ट्स को यहां पर मैं क्लियर करने वाला हूं कि किस यूनिवर्सिटी ने कौन सा जो रिजल्ट है वो जारी किया है और किस ईयर का जो रिजल्ट है सबसे पहले जारी हुआ है, और बाकी बचे हुए रिजल्ट है और यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होंगे वो सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। जो रिजल्ट जारी हुए हैं वो BA BSc BCom साथ में MA MSc MCom यानी कि मतलब कि जो PG के स्टूडेंट है साथ में जो UG के स्टूडेंट है दोनों का ही रिजल्ट जारी हुआ है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले चलता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वो रिजल्ट है ओपन कर रखे हैं, जैसे कि अपन क्रोम ऊपर आ चुके हैं। तो फर्स्ट जो रिजल्ट जारी हुआ है वो यहां पर जारी हुआ है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी हुआ है। और जैसा कि आपको हमेशा मैं बताते आता हूं कि जो सबसे पहले जो रिजल्ट जारी होता है हमेशा चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी को आप ले लेना बीकॉम का फर्स्ट में रिजल्ट जारी होता है। अब देखो बीकॉम फाइनल ईयर और सेकंड ईयर का शायद पहले जारी हो गया था और बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अब जारी हो चुका है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो बीकॉम पार्ट फर्स्ट का भी, बीकॉम पार्ट सेकंड का भी और बीकॉम पार्ट थर्ड का भी रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। अब इसी के बाद में अगर आप MGSU के स्टूडेंट है तो आपका जो नेक्स्ट रिजल्ट जारी होगा वो आपका जारी होगा BSc का, BSc थर्ड ईयर का। कन्फर्म है कि BSc थर्ड ईयर का आपका रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद में BSc सेकेंड ईयर और उसके बाद में आपका BA फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जारी हो सकता है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, देखो उस यूनिवर्सिटी पर जाने से पहले एक बार मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। देखो इसके ऊपर क्लिक करके आपको प्रोसीड फॉर रिजल्ट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आप एक बार यहाँ पर बाई रोल नंबर है तो रोल नंबर से देख लेना, नहीं है तो आप अपना नेम एंड फादर नेम डालकर भी अपना रिजल्ट देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्या रिजल्ट अब इस बार रहा है MGSU का, फर्स्ट ईयर का ही मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिवर्सिटी को लेकर भी मैं क्लियर करूँगा। जैसे राधिका सोनी का रिजल्ट आप देखते हैं, राधिका सोनी का यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर काफ़ी छात्रों को नहीं पता होता कि ये PCSO का मतलब क्या है। अब देखो इसका मतलब कि यहाँ पर इसके बैक लग चुकी है, ठीक है, मतलब कि बैक ही लग चुकी है एक तरीके से देखें तो। जैसे यहाँ पर PCSO का मतलब है कि पास कॉमन सब्जेक्ट ओनली, जो कॉमन सब्जेक्ट है उनमें तो ये पास है लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनमें ये फेल है, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट है उनमें तो ये पास है, ऑप्शनल सब्जेक्ट इसके पास जो भी है उनमें ये फेल है, ठीक है। तो उनका इसको या तो रिवॉल्यूशन का फॉर्म लगाना होगा या इसको दोबारा से बैक फॉर्म लगाना होगा, ठीक है। एक तरीके से बैक का ये देख सकती है जो राधिका सोनी है, मुकेश सोनी जिनके फादर है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिजल्ट जारी हुआ है वो एम ए एम एस सी फाइनल ईयर का जारी हुआ है, ठीक है। एम ए एम एस सी फाइनल ईयर का साथ में एम ए एम एस सी प्रीवियस का साइकोलॉजी का रिजल्ट है ये जारी हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो 14 जून थी और 14 जून को आपके दो रिजल्ट जारी हुए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। बाकी जितने भी रिजल्ट आपके जिस प्रकार से भी जारी होंगे उसी प्रकार से आप सभी छात्रों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी इस चैनल पर आप लगातार अपडेट रहना, जल्द ही वीडियो आएगा आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी जो रिजल्ट जारी होता है उससे रिलेटेड। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करने के साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिससे उनको भी पता लग जाए कि उनका भी रिजल्ट जारी हो चुका है। अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो जून के महीने में आपके अप्रोक्सली जितने भी आपके मतलब कि ऐसे मान लीजिए कि 90 से 95% आपके रिजल्ट इससे जून महीने में जारी हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।